Hello viewers, today we will be talking about the concept of viniculum and how the concept of viniculum can be used for the formation of the multiplication tables. Basically, when we talk about the smaller multiplication tables, like the table of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, it's fine till here. Okay, but when we talk about the larger values, 58, 99, 79, something like these big values. So obviously, what is the conventional way that we generally go with the multiplication? Now here, I would be making you learn that if we are required to generate a concept of multiplication tables, so without going with the basic rule of multiplication, we can simply go with the basic arithmetic operations of addition and subtractions, and we can generate the multiplication table by using the concept of viniculum. Okay, now let me make you familiar with the term viniculum. Viniculum is basically a basic operation where we have the feasibility that we can convert the bigger values into the smaller values. And when I'm talking about bigger values means 5, 6, 7, 8, 9. Agar ye hamari badi values hain aur agar inko hum choti values mein convert kare, to obviously hamara calculation jo hai wo simpler ho jayega. So first thing is that we would be using the concept of viniculum. Aur viniculum ka concept use karke hum identify karenge ki multiplication table kaise generate karte hain. Aur jo sutra use honge viniculum mein, they are ekanyunena purvena and the second is nikhilam navtas charmam dashatah. Basically देखिए अगर हमें like smaller values हैं, 11 है suppose, 11 का table generate करना है, तो what is the conventional way? अगर मुझे 11 twos निकालना होगा तो I will simply multiply it by 2. Okay, same अगर 3 का निकालना है तो it will be multiplied by 3. और other, what's the way out? मैं इन दोनों में 1 add करूँगी, I'll get 22. फिर इसमें 1 add करूँगी, I'll get 33. फिर इसमें 1 ऐड करूंगी, आई विल गेट 44 एंड 1 दैट इज 55 एंड 1 दैट इज 66. सो दिस इज द प्रोसेस. बट इफ यू आर हैविंग लाइक बिगर वैल्यूज, सपोज अब ये 99 हो गया, तो 99 को 2 ऐड करना ये टिपिकली लेंदी होगा. ओके, और अगर हम बड़े वैल्यूज की टेबल की बात करते हैं तो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए वी वुड बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ विनिकुलम. राइट, सो वी वुड बी टेकिंग द फर्स्ट वैल्यू जिसका हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल जनरेट करना है, एंड लेस द फर्स्ट वैल्यू बी कंसिडर्ड एज 19. हमें 19 का टेबल लिखना है बाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ विनिकुलम. ना अगर विनिकुलम का कंसेप्ट यूज करना है तो हम पहले क्या कर लें, इस नंबर का हम विनिकुलम नंबर फॉर्म कर लें. सो दैट तो हम इसमें पहले करेंगे एकाधिकेन पूर्वेण एंड एक न्यूनेन पूर्वेण एंड निकुलम नवतः चरमम दशतः. सो दिस विल बिकम 21 एंड 2 एंड 1 विथ अ नेगेटिव साइन. सो इस नंबर का हमने जो है विनिकुलम नंबर फॉर्म कर लिया है. अब हमने विनिकुलम नंबर फॉर्म कर लिया है तो अब हम इसी नंबर का रेफरेंस लेकर जो है वी विल गो विद द फॉर्मेशन ऑफ टेबल. तो हमने पहले लिखा 19, अब इसमें ऐड कर लेंगे 2 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1. सो व्हाट आई विल गेट, 38. तो आई विल राइट फर्स्ट 19 हमारा आया, फिर आया 38. इसमें हमने प्लस 2 किया, माइनस 1 किया, सो 57. आई राइट द थर्ड वैल्यू एज 57. हियर प्लस 2, हियर माइनस 1, 76. अब हम यहाँ पर वर्बली कर ले कि इस वैल्यू को प्लस 2 करना है, इसको माइनस 1 करना है. सो 7 प्लस 2 इज 9, 6 माइनस 1, क्योंकि देखिए ये हमारा रेफरेंस वैल्यू हो गया है. तो हमें इस वैल्यू को प्लस 2 करना है और इस वैल्यू को माइनस 1 करते जाना है. सो 7 प्लस 2 इज 9, 6 माइनस 1 इज 5, 9 प्लस 2 इज 11 एंड 5 माइनस 1 इज 4, 11 प्लस 2 इज 13 एंड 4 माइनस 1 इज 3, 11 प्लस 2 इज 15 एंड 3 माइनस 1 इज 2 एंड 15 प्लस 2 इज 17 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 17 प्लस 2 इज 19 एंड 1 माइनस 1 इज 0. ओके, सो इफ वी कैन गो विद द नॉर्मल 19 वन्स आर 19, 19 टूज आर 38, 19 थ्रीज आर 57, 19 फोर्स आर 76, 19 फाइव्स आर 95, 19 सिक्स आर 114, 19 सेवन्स आर 133, 19 एट्स आर 152, 19 नाइन्स आर 171 एंड 19 टेन्स आर 90.
सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मल्टीप्लीकेशन टेबल. एंड वॉज द बेस्ट पार्ट, हमने सिंपल वंस प्लेस की वैल्यू में माइनस वन किया है और टेंस प्लेस की वैल्यू में प्लस टू किया है. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द मल्टीप्लीकेशन बाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ विनिकुलम, बाई यूजिंग द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. I think it's fine with this example. We'll take another example. So let's consider the next example as 28. Okay, 28 है, हमारे को ये number 8 है जो कि greater than 5 है, तो हम कर लेंगे यहाँ पर एकाधिक इन पूर्वेण एंड निकलम. So this will become 3 and 2 with the bar. इसका मतलब जो tens place होगा वो plus 3 होगा और जो ones place होगा that will be minus 2. तो हम first value लिख लेते हैं 28. And here I'll show you the steps. ये हमारा 28 है, यहाँ हमने किया plus 2 and here minus 2. Okay. So 3 plus 2 is 5, 8 minus 2 is 6. So 56 plus 3 minus 2, 84 plus 3 minus 2, 8 plus 3 is 11, 4 minus 2 is 2, 112 plus 3 minus 2, 140. Okay, next plus 3 minus 2. अब यहां पर हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा. देखिए 14 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 17. 0 माइनस 2 इज माइनस 2. ठीक है, नाउ बिकॉज दिस इज नेगेटिव आई विल बोरो 1 फ्रॉम हियर, सो दिस विल बिकम 168. सो द नेक्स्ट वैल्यू इज 168. राइट, नेक्स्ट विल गो द सेम वे, प्लस 3 माइनस 2, सो 196 प्लस 3 माइनस 2, सो दैट इज 224 प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, सो दिस इज वेरी सिंपल. एंड हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, सिंपल हमने यही किया है कि वंस प्लेस में हमने माइनस 2 किया है एंड टेंस प्लेस में हमने प्लस 3 किया है. सो 28 वंस आर 21, 2 इज़ अ 56, 3 इज़ अ 84, 4 इज़ अ 112, 5 इज़ अ 140, 6 इज़ अ 168, 7 इज़ अ 196, 8 इज़ अ 224, 9 इज़ अ 252 एंड 10 इज़ अ 280. राइट, taking another example, so that somewhere, so we always need to convert the bigger number, okay, the values which are greater than 5, 6, 7, 8, 9 into the vinculum numbers, and then we need to identify what is the additive and what is the subtractive values, and just we need with the basic arithmetic operation to proceed with the calculation. So suppose we have 99. Now if we are talking about 99, both the values are greater than 5, so what I'll do is that I'll use ekadhik in purven and nikhila. So this will be 1, 9 minus 9 is 0, 10 minus 9 is 1. This is the number. So what does it mean? Iska matlab, agar humne likha 99, to is wali value mein hum plus 10 karenge aur is wali value mein, means ones wali value mein hum minus 1 karenge. Right. So this is how we are going to write the answer. 10 minus 1, 9 plus 10 is 19, 9 minus 1 is 8, so that is 198, plus 10 minus 1, plus 10 minus 1, plus 10, 6 minus 1 is 5. अब हम सिंपली यहाँ वर्बली प्रोसीड कर सकते हैं, प्लस 10 क्योंकि 9 तो सेम रहेगा, सो दैट इज़ 590, एक इसको माइनस कर रहे हैं 4,
693, 792, 891, 990. ओके, सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच सिंपल, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि अदर देन वंस प्लेस हमें आगे की वैल्यू में 10 ऐड करना है, और जो वंस प्लेस है उसमें माइनस 1 करते जाना है. तो सिंपल हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाय 1, एंड इस वैल्यू में हम हर नेक्स्ट वैल्यू में जाके वी आर एडिंग 10 टू इट. ओके, सो 10 मतलब देखिए 9 तो आपका एज इट इज़ रहेगा. सिंपल ये हमारी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का ट्रेल फॉर्म करेगी. सो व्हाट वी फाइनली कंक्लूड इज दैट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ विनिकुलम वी कैन रियली सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन टेबल. इंस्टेड दैट वी यूज़ द कन्वेंशनल मेथड कि अगर हमें ये अप्रोच नहीं पता होता तो यहाँ तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम 99 × 2 करते, ठीक है, और फिर अगर हमें 3 का टेबल यूज़ करना है तो हम 99 × 3 कर लेते. दिस वॉज वन ऑफ द अप्रोच. और द सेकेंड पॉसिबिलिटी था कि हम यहाँ पर फिर इसमें 99 ऐड करें, फिर ये कैरी और जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं हमारे उसको हम हैंडल करें. तो यहाँ पर मिस्टेक की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. बट यहाँ पर सिंपल वी आर वर्किंग विद द स्मॉलर वैल्यूज़. एक हमारा माइनस 1 है, एक हमारा प्लस 10 है. सिंपल हम नंबर के ट्रेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर वी आर गोइंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस और नॉट. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन. थैंक्स अ लॉट.